ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे टू है। हम लोग कल रात को रुके थे गुआराज, इलाहाबाद से 50 किलोमीटर हाईवे है। यहाँ पे रुके थे, एक बहुत ही बड़ा ढाबा है, पर रूम ही सही है। तो नॉन एसी का 900 बोल रहा था, हम बोल बोल के 700 में लिए, और एसी का 1200 बोल रहा था, हम तो बोल बोल के वो 700 में एसी भी आ गए। हम लोग रात को 11 बजे तक यहाँ चेक इन किए, और अभी सुबह का 5:35 हुआ है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। मुन्ना दा हम रेडी होके अभी निकलेंगे। बाहर थोड़ा कोहरा कोहरा है, तो चलिए गाइज, आज का टारगेट है करनाल, तो चलिए देखते हैं। दिल्ली जाने के लिए बहुत मन कर रहा है, आगरा से गुजरेंगे, ताज देखने के लिए भी मन कर रहा है। मैंने अभी ताज भी नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं गया। तो गाइज, आने का टाइम हो उसको पकड़ने के, क्योंकि जाने का टाइम थोड़ा देर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं रोड पे, गाड़ी वाड़ी रेडी करके, चेन लूप करके निकलते हैं। गाइज, हम लोग शक्ति ढाबा पे रुके थे, और हमारा लगेज बांधना हो गया है। मेरा गाड़ी रेडी है, मुन्ना दा की मेरी रेडी है, और लगभग 7 बज गया है। बहुत सारा टाइम हमने नष्ट कर दिए। तो चलिए गाइज, निकलते हैं यहाँ से। करनाल बहुत दूर है, करनाल तक कोशिश है आज जा पाए दिल्ली छोड़ के। मन तो कर रहा है दिल्ली पे रुकने का, पर नहीं रुक सकते क्योंकि टाइम भी कम है। तो चले गए जाने, फटाफट शुरू करते हैं, रोड पे मिलते हैं। बाय बाय। अभी सुबह का 7:30 हुआ है, और अभी भी थोड़ा कोहरा कोहरा है, और हम लोग हाईवे पे है, और इस टाइम थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है। डेस्टिनेशन है हमारा करनाल, जो कानपुर होके आगरा होके दिल्ली को छोड़ के बाजू पे छोड़ के करनाल आज का डेस्टिनेशन है। हमारा किलोमीटर में 883 किलोमीटर, हम लोग लगभग 30 किलोमीटर आ चुके हैं, और 850 किलोमीटर बाकी है। टाइम दिखा रहे हैं 13 घंटा 49 मिनट, लगभग 9:30 बजे, लगभग 10-11 बजे तक देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं। 7 बजे राइड स्टार्ट किए थे, अभी 9 बजे 9:30 बज रहा है, तो हम लोग 2 घंटे राइड करके 150 किलोमीटर कवर किए हैं, और हाईवे पे हैं कानपुर यहाँ से, और 110 किलोमीटर है, और बहुत ही बढ़िया ढाबा पे आए हैं। तो चले क्या क्या खाते हैं दिखाते हैं। आलू के पराठे, दही, चाटनी। हिल स्टेशन पे और अच्छी अच्छी जगहों में सिनारे पे लेक पे अच्छा लगता है, लेक साइड पे बाइक चलाना, पर ये हाई रोड पे बहुत मुश्किल होता है भैया, इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक।
यहाँ पे चाय पीने रुके थे, बहुत नींद आ रहा था चलाने में, यहाँ पे रोड साइड पे चाय पिए और कुछ भैया लोगों से भी मिले यहाँ पे। भैया जी आप यूपी के हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल एक और भी भैया है तो इनसे मिलकर अच्छा लगा, रोड पे बात कर रहे थे। और मोहम्मद आरिफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और मेरा वो राइडर किधर गया? मुन्ना भाई। शुरू करने चला गया है वहाँ पे। तो चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से, बहुत गर्मी है, दिक्कत हो रहा है, फिर भी जाना है। चलिए रोड पे मिलता है। तो चाय शाय पी ली हम लोगों ने, थोड़ा रेस्ट हो गया। अभी टाइम दोपहर का 1:30 बजे और हम लोग अभी सिर्फ 300 किलोमीटर आए हैं और अभी भी हम लोगों को 580 जाने का टारगेट है। और जी सकाल थे बेलार अर्धेक हो गल, अर्धेक बेला पार हो गल। चलो एकदम आगरा, तो अभी 200 किलोमीटर आगरा है यहाँ से। तो चलिए आगरा में मिलता है, रास्ते में मिलता है, सॉरी। बहुत तेज धूप है और लेफ्ट में झांसी, सीधा आगरा, मथुरा सीधा। फिरोजाबाद 96 किलोमीटर यहाँ से। हम लोग आगरा की तरफ जाएंगे, झांसी नहीं लेंगे, ये ज़्यादा शॉर्टकट है। और नहीं तो इसमें जाके भी आप वो क्या मोड़ बोलते हैं वहाँ से भी टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। फिर भी मुझे हम लोगों को यहाँ से शॉर्टकट जाना है। तो आगरा यहाँ से 200 किलोमीटर है। ऐसे सुबह निकले थे, अभी शाम हो रहा है। सन को कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ऑरेंज लग रहा है देख के। तो शाम का अभी 5:26 और हम लोग खाली लगभग 500 किलोमीटर तक आए। चलिए जाते हैं और यह है आगरा, लगभग 30 किलोमीटर है यहाँ से आगरा। लद्दाख जाने में दिक्कत यही है कि ये रोड वाला डिस्टेंस, ये 3 दिन तक आपको शिमला से लग जाता है। शिमला तक जाने से हम लोग बंगाल से है मनाली तक, वही टफेस्ट रोड है मैं कहूँगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक के अंदर, इतना ट्रैफिक रूल्स नहीं मानने वाले हैं। जो ऐसे गुजारा है देख ले आप लोग, किसी के पास हेलमेट नहीं है। आप देखो यहाँ पे 3 बंदे जा रहे हैं, दोनों के पास हेलमेट नहीं है, एक के पास है। ऐसे पूरा 80% लोगों के पास हेलमेट नहीं है और वो लोग हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे बाइक चला रहा है। तो इनके साथ इनको बचा के, खुद को बचा के आप मनाली तक 3-4 दिन में पहुंचो, यही बहुत बढ़िया बात है। तो वैसा दिमाग में शांति बना के आइएगा जब भी आइएगा, नहीं तो नंबर इतना फुल तेल लेके आए हुए मालिश करते करते जाएंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। तो चलिए गाइस, दिल्ली आप दूर नहीं, सिर्फ 200 किलोमीटर है। तो चलिए दिल्ली को क्रॉस करेंगे, नोएडा होके हम लोग निकल जाएंगे पानीपत की तरफ। चलिए गाइस, दिल्ली में ही क्यों नहीं रुक रहे हैं, हर कोई दिल्ली में रुकता है क्योंकि सुबह को बहुत जाम होता है दिल्ली में, सुबह को शाम को हर टाइम ही जाम होता है। तो जाम को हटाने के लिए
जैम को पीछे छोड़ने के लिए हम लोग दिल्ली को बाईपास करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा पास टाइम बहुत कम है। जी हाँ, हमारा टाइम बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं तो मन तो मेरा था, हम लोगों को पहले भी बोल चुके हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं। तो ये वो मोड़ है जहाँ पे आगरा सिटी सीधा जा रहा है, और हम लोग यहाँ से घूम के दिल्ली, नोएडा होके दिल्ली की तरफ यही रास्ता जाते हैं। और ताजमहल देखने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा आगरा सिटी में। और हम लोग इस टाइम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आने वक्त जरूर ताज होके जाएंगे। ये है जमुना हाईवे 165, ये वो ढलाई वाला रास्ता है जो हर कहीं बहुत उड़ाता है। तो हम लोग क्यों बैठेंगे, चलो 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 पम 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 रे, चलो 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 चल। गाना भी नहीं आता हमको। वेलकम टू जमुना हाईवे एक्सप्रेस, ये तो आसी तो ये नहीं बात। तो चलिए गाइस स्पीड देखते हैं, यहाँ पे जमुना हाईवे पे इंडिया का सबसे शानदार हाईवे जमुना हाईवे एक्सप्रेस। हम लोग को दिन के टाइम में आना चाहिए था, फिर भी शाम हो गया, कोई बात नहीं। हम लोग लाइट देखते, लाइट दे रहे हैं चले मैम। ₹205, सॉरी मैंने 70 बोला। तो बाइक में इंडिया में और कहीं टैक्स नहीं देना पड़ता, टोल टैक्स मैं टोल रेट, तो जहां मुझे एक बार देना पड़ा था कारशियांग में ₹5, पर यहां पे 205 बहुत ही ज़्यादा है, ₹205 बहुत दुख हो रहा है बाइक के लिए, ₹205 देने में। इसमें आगे भी छोड़ देगा, पैसे उन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, आप इसे संभाल के रखो, ये दो टोल और दिखाने पड़ेंगे आगे। आगे आगे दोनों में दिखाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। ओ अच्छा, क्या हुआ, पुलिस इमरजेंसी कुछ है शायद, पुलिस ने दौड़ रहा है। ओ मेडिकल, कोई एक्सीडेंट हुआ है शायद, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। के आसपास ही है, और दिल्ली में इतना सारे रोड है क्या बताएं आपको, मैप पे शायद आप लोग को दिखा रहा हो मोबाइल पे। तो यहीं पे हमारा गलती हो गया, जो हम लोगों को मैप ने एक्चुअली, मुन्ना दा उसके दीदी के साथ बात कर रहे थे फोन पे, और उस टाइम ना एक मोड दिखाया कि आगे रास्ता क्लोज है हाईवे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा भटक गए थे, गोल गोल घुमा रहा था एक ही जगह में और किसी को नहीं देख पा रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ना बाइक के लिए अब अगर आप मैप सेलेक्ट कर देते हो तो थोड़ा हाईवे छोड़ के साइड रोड भी दिखा देता है कहीं कहीं जगह पे ना, वो साइड नैरो वाला रोड ही दिखा देता है जो बाइक के लिए सुइटेबल है। तो यहीं पे हमारा दिक्कत हो गया, वो मेन रास्ता पे तो एक एक्सीडेंट हुआ, यही सब दिखा के ब्लॉक दिखा के हम लोग को साइड से गाजियाबाद के रोड पे दे दिया था, वहीं पे हमारा दिक्कत हो गया। वहाँ पे पूरा नैरो रोड था और लोग भी कोई नहीं था, यहीं पे हमारा जो दिक्कत हुआ, जो परेशानी हुई है यहीं पे इसी रोड पे हुई है। भैया हमें नोएडा जाना है, नोएडा नोएडा तो घर ही है।
तो उधर पे दिखा रहा था गूगल, फिर भी इधर दिखा रहा है। हम लोग जाना करनल है, करनल। हाँ हाँ, नोएडा होके, नोएडा। तो गाइज फाइनली हम रात को आ चुके हैं करनल में। जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, करनल नहीं आ पाए। वहाँ पे दिल्ली को बाजू पे रखते हुए और नोएडा होके हम लोग हाईवे पकड़ के पानीपत, उसके बाद करनल आना था। पर वहाँ पे हाईवे पे गूगल ने माता ने देखा एक ब्लॉकेज है, कोई डिवाइड रोड खराब है, एकदम कटिंग है, तो हम लोग को देख नहीं पाए और गूगल माता ने हमें दूसरे रास्ते से भेज दिए। तो वो लोग दिल्ली के बाजू से हम लोग को मेरठ के रास्ते में ले जाए, मेरठ के पास से एक लोकल रास्ते में। वहाँ पे भी बहुत डर लगा क्योंकि एक बंदा ने बोला ये इधर खराब कुछ होता है, चिंता फिंता ये सब होता है, तो बहुत दिक्कत में पड़ गए थे। और रोड पे अभी कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था और हमारा दोनों गाड़ी में लगभग पेट्रोल ख़त्म होने वाले हैं, और कोई धावा मावा नहीं मिल रहा था, और एक धावा मिल गया है यहाँ पे, तो धावा पे ही है क्योंकि इस रास्ते पे अभी रात का 12 बज रहा है। तो अभी 80 किलोमीटर है यहाँ पे करनल, किंतु करनल तक कोई होटल वगैरह नहीं है, तो इसीलिए हमें जुगाड़ करना पड़ा। वो टेंट था हमारा, वो टेंट खटाए और लगेज बाहर ही छोड़ना पड़ा है क्योंकि टू मेंस कैंप है, टेंट है, जिसकी कैपेसिटी में लगेज अंदर आएगा तो दोनों आदमी नहीं रह सकते। तो अल्लाह सोचा बाहर एक आदमी, बाहर अंदर एक आदमी, ऐसा करके रहेंगे, उसमें हमारा सामान का हिफाजत रहेगा। तो थोड़े कष्टे में आज का रात गुजर रहे हैं और सुबह को देखते हैं कल का दिन कितना अच्छा आता है। तो चलिए गाइस, थोड़ा इधर दिक्कत हो गया। आप लोग जब भी राइड करो 9 बजे 8 बजे से पहले जहीं पर बड़ा बड़ा सिटी में रह जाओ, यही ठीक रहेगा। हम लोग थोड़ा आगे आने के चक्कर में थोड़ा हमारे से गलती हो गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए गाइस, अभी ठीक है, आज का सेफ हाउस यहाँ पे है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।